क्या नाम है आपका? पोएट शेफ। क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप पोएट शेफ? मुझे मिडिल क्लास हसल जो है ना, वो ज्यादा लोग छू नहीं रहे, बट बहुत ज्यादा क्रेजी हसल है वो। नौकरी रहने दो, शादी रहने दो, बच्चे रहने दो, लिखने दो यार, थोड़ा थोड़ा सा लिख लेने। कहाँ से आए आप? प्रयागराज। प्रयागराज आओ। निकला पूरा काफिला पे, शुरू हुआ ऐसा सिलसिला पे, पूछे लोग ऐसे किया कैसे, मैं रुका नहीं झुका नहीं कभी। लेके निकला पूरा काफिला पे, शुरू हुआ ऐसा सिलसिला पे, पूछे लोग ऐसे किया कैसे, मैं रुका नहीं झुका नहीं कभी। नारे नारे रॉकस्टार भाई, रॉकस्टार। For me, I don't know why it's coming to my head. It's like seeing Adnan Sami do hip hop. Even the voice texture. Even the voice, and it's like the whole early 2000s music that music. Came out of Bollywood, which was so unadulterated and really like close to indie pop, but also Bollywood. मैं भी वहीं कहीं आसपास हूँ। ओ हम दम सा, bro, yes, right? वो zone मेरे को दिखा और पकड़ा, क्या तोड़ा इसने यार। But hip hop. Yes, hip hop. So good. आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत ठहराव वाले आदमी है, बहुत मैच्योर चीजें लिखते हो आप। आई फील ऑलवेज वेरी हैप्पी जब भी मैं किसी को भी देखता हूँ जो हिप हॉप के साथ में मेलेडी कर सकता है, और मुझे लगता है दिस डे एंड एज में आपके पास ये रेंज होना बहुत जरूरी है। थिंक दैट विल मेक अ वेरी गुड टीम। रुका नहीं झुका नहीं कभी, अभी ये अंदाज बहुत सेक्सी था भाई। थैंक यू सो मच। पोएट शेफ, कितने साल के आप? हाउ ओल्ड आर यू? 31। पर्सनैलिटी बहुत सही है, मजेदार है। आपको 90 सेकंड के अंदर अंदर चारों माइक ड्रॉप्स भी मिल गए, किसके स्क्वाड में जाना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए टीनो वॉरियर्स के पास। आ जाओ। कर देते हैं आपको भी सेट।